Good morning, students. Welcome to AR Tutorials. Today, we are going to discuss an American poet, Robert Frost, his biography, his work, and his famous poem. Let's discuss. Robert Frost ka pura naam Robert Lee Frost tha. Actually, unke father William Piscott. उनका नाम जो है जनरल ली रखना चाहते थे और उनकी मदर आइसाबेल मेडल उनका नाम जो है रॉबर्ट बर्न्स रखना चाहती थी. तो फाइनली दोनों ने मिलकर के जो है उनका नाम जो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट रखा. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ही वॉज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी. और उनकी पोएट्री की सबसे खास बात ये थी कि उनकी पोएट्री में जो है न्यू इंग्लैंड का जो रूरल लाइफ है उसका ट्रू और ब्यूटीफुल पिक्चर हमें देखने को मिलता है. ही वॉज बॉर्न ऑन मार्च 26, 1874 इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस और उनकी डेथ जनवरी 29, 1963 बोस्टन में हुई थी मैसाचुसेट्स नाम की जगह पर. अगर ऑनर और अवार्ड्स की बात करें तो वो शायद इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे पहले राइटर हैं जिन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला है. सबसे पहले जो है उनका पोएटिक कलेक्शन न्यू हैम्पशायर के लिए 1924 में मिला, फिर कलेक्टेड पोएम्स के लिए 1931 में मिला, अ फर्दर रेंज के लिए 1937 में मिला और अ विटनेस ट्री के लिए 1943 में मिला. यही नहीं बल्कि उन्हें 1962 में बोलिंगर प्राइज भी मिला है. जब वो सिर्फ 11 साल के थे तो उनकी मदर उन्हें न्यू इंग्लैंड लेकर के आ गई थी. न्यू इंग्लैंड उनके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि उनकी पोएट्री न्यू इंग्लैंड से एसोसिएटेड है. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उनके फादर का नाम विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट था और विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जो है एक टीचर थे. इनकी माँ जो है आइसाबेल मॉडल वो भी एक टीचर थी, लेकिन इनके फादर विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट बाद में जाकर के एडिटर बने कहाँ के सैन फ्रांसिस्को इवनिंग बुलेटिन के, वो बाद में जाकर के एडिटर बने. अनफॉर्चुनेटली इन द ईयर 1885 में जो है उनके फादर की डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से और उनकी मदर उनको रॉबर्ट फ्रॉस्ट को और उनकी एक बहन जैनी को लेकर के कहाँ चले जाते हैं, लॉरेंस के मैसाचुसेट्स में चले जाते हैं अंडर द पैट्रोनेज ऑफ फ्रॉस्ट ग्रैंडफादर. अगर उनके एजुकेशन की बात हम करें तो उनका जो ग्रेजुएशन हुआ था वो लॉरेंस हाई स्कूल से हुआ था 1892 में और उसी वक्त जो है एक मैगजीन में उनकी पोयम 1894 में उनकी जो पहली पोयम थी, याद रखिएगा बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनकी पहली पोयम जिसका नाम माई बटरफ्लाई एंड एलिजी था वो 1894 में पब्लिश हुई थी और उस पोयम को उन्होंने सिर्फ $15 में सेल कर दिया था. उनकी वाइफ की बात करें तो उन्होंने अपने ही क्लासमेट से 1894 में जो है शादी कर ली थी जिसका नाम एलिनोर मैरियम वाइट था और ये जो है शादी कब हुई थी 1895 में उन्होंने एलिनोर मैरियम वाइट से शादी कर ली थी. अनफॉर्चुनेटली 1900 में जो है उनकी मदर का डेथ हो जाता है और उनकी मदर के डेथ के बाद जो है उनका बहुत ज़्यादा हार्डशिप शुरू हो जाता है. वो काम करते हैं एज अ स्कूल टीचर, काम करते हैं, वो फार्मिंग भी करते हैं और पोएट्री भी लिखते हैं. फिर उसके बाद इन द ईयर 1912 में जो है वो फैमिली कहाँ चली जाती है, मूव कर जाती है वो अपनी फैमिली के साथ यानी कि अपनी वाइफ के साथ जो है वो कहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड में चले जाते हैं और इंग्लैंड के बीकॉनफील्ड जो कि स्मॉल टाउन है लंदन वहाँ पे वो चले जाते हैं और वहाँ पे उनको अपनी पोएट्री जो उनकी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री थी जिसका नाम था अ बॉयज विल जो कि 1913 में आई थी उसके लिए उनको पब्लिशर मिल जाता है. फिर
यहाँ पे देखिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2012 में वो इंग्लैंड चले गए, 2013 में सॉरी 1912 में जो है वो कहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, 1913 में जो है उनको अपनी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम अ बॉयज विल के लिए पब्लिशर मिल जाता है, और फिर उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि 1914 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है, और वो क्या होते हैं 1915 में जो है फिर से रिटर्न कर जाते हैं, कहाँ अमेरिका में रिटर्न कर जाते हैं, और वहाँ पर जाकर के वो एक फार्म हाउस खरीदते हैं कहाँ न्यू हैम्पशायर में। तो यहाँ पर एक चीज़ जो हमें पीजीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक बार आया भी है कि व्हेन ही रिटर्न इन अमेरिका, अमेरिका वो दोबारा कब रिटर्न होते हैं, तो याद रखिएगा कि 1915 में जो है वो रिटर्न कर जाते हैं अमेरिका। 1937 में जो है उनकी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, और अनफॉर्चुनेटली 1938 में जो है उसकी डेथ हो जाती है। 1937 में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है और 1938 में जो है उनके वाइफ की डेथ हो जाती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात उनके बारे में है कि ही गॉट मोर देन 40 ऑनरी डिग्री, उनके पास 40 से भी ज्यादा ऑनरी डिग्री थी। एक और यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन द ईयर 1960 में ही रिसीव द यूनाइटेड स्टेट कांग्रेसनल गोल्ड मेडल अवार्ड उनको मिलता है। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो जॉन एफ कैनेडी है, जब उनका जो है इनॉग्रेशन होते रहता है, जब जॉन एफ कैनेडी का स्वेयरिंग सेरेमनी इनॉग्रेशन होता है 1961 में, उस वक्त एट द एज ऑफ 86 में जो है उनको बुलाया जाता है, और वो वहां पर जो है क्या करते हैं, उनकी एक पोयम है द गिफ्ट आउटराइट, द गिफ्ट आउटराइट जो कि एक पैट्रियोटिक पोयम है, उसको वो वहां पे जाकर के रिसाइट करते हैं। और ये जिस पोयम या ये जो है जिस कलेक्शन ऑफ पोयम, जिस पोएट्री के कलेक्शन में जो है इसको पब्लिश किया गया था, उसके लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था। याद रखिएगा कि जो है 1961 में जो है उन्होंने क्या किया था, द गिफ्ट आउटराइट जो उनकी पोयम है उसको रिसाइट किया था, कहां पर, जब प्रेसिडेंट, जब यूएस के प्रेसिडेंट जो है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जॉन एफ कैनेडी का जो है क्या हो रहा था, स्वेरिंग सेरेमनी हो रहा था। एक और पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट निकल करके आता है कि जुलाई 1961 में एट द एज ऑफ 86 ही बिकम द पोएट लॉरिएट ऑफ वर्मोंट यूएसए, यूएसए के में यूएसए का जो है उन्हें पोएट लॉरिएट घोषित कर दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली जो है 1963 में जो है उनकी डेथ हो जाती है, कहाँ पे, बोस्टन में जो है उनकी डेथ हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम द पोस्ट्रेट सर्जरी की वजह से जो है उनकी डेथ हो जाती है, और उनको बरील किया जाता है ओल्ड वेलिंगटन सेमेट्री में, जो कि कहाँ है, वेलिंगटन में है। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता है ये आपको देखिए पिक्चर के थ्रू समझ में आएगा, एपिथेट्स, उनका जो एपिथेट्स है उन पे उनकी फेमस पोयम जिसका टाइटल है द लेसन फॉर टुडे, उसकी लास्ट लाइन लिखी हुई है आई हैव अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड। यहाँ पर देखिए रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का नाम है, उनका डेट ऑफ बर्थ है मार्च 26, 1874, उनका डेथ जनवरी 29, 1963, और ये उनकी लाइन है, उनकी पोएट्री की लाइन है आई हैड अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड। उनकी वाइफ एलिनोर मैरियम वाइट, उनका जो है डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1873, डेथ मार्च 20, 1938, और उनका जो एपिटेट है वहां पर लिखा हुआ है टुगेदर विंग्स टू विंग एंड क्वार टू क्वार। अगर हम उनके पोएम्स की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसका आप डेट याद रखेगा और पोएट्री के कलेक्शंस याद रखेगा। 1913 में उनका फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री आया था जिसका नाम बॉयज विल था। 1914 में जो है नॉर्थ ऑफ बोस्टन, 1914 में जो है नॉर्थ ऑफ बोस्टन उनकी आई थी, जिसमें कुछ फेमस पोएम्स हैं, आफ्टर एप्पल पिकिंग, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन,
मेंडिंग वॉल। 1916 में जो है उनका एक और पोएटिक कलेक्शन आया था, माउंटेन इंटरवल। उसकी फेमस पोयम है बर्चेस, द रोड नॉट टेकन, आउट आउट। 1923 में जो है उनकी पोएट्री का कलेक्शन आया था सेलेक्टेड पोएम्स, जिसकी फेमस पोयम है द रनअवे। 1923 में जो है न्यू हैम्पशायर उनकी पोएट्रिक कलेक्शन आई थी, जिसके लिए उनको पुलित्जर प्राइज मिला था। इसकी जो फेमस पोएम है फायर एंड आइस, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये दो पोएम जो है इसमें बहुत फेमस है। 1924 में जो है उनके सेवरल शॉर्ट पोएम्स आई थी, फिर 1924 में जो है उनकी सेवरल शॉर्ट पोएम्स आई थी, 1928 में जो है सेलेक्टेड पोएम्स आई थी, 1928 में वेस्ट रनिंग ब्रोक आई थी इनकी, 1930 में जो है उनकी कलेक्टेड पोएम्स आई थी जिसके लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था, 1934 में जो है उनकी सेलेक्टेड पोएम्स आई थी, फिर 1937 में अ फर्दर रेंज आई थी जिसके लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था, और उसके बाद जो है 1942 में उनकी पोयम आई थी द विटनेस ट्री, जिसके लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज मिली थी, और उसकी फेमस पोयम है द गिफ्ट और ट्राइड, और ये वही पोयम है जो उन्होंने इनॉग्रेशन पे, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उनके इनॉग्रेशन पे जो क्या की था, रिसाइट किया था। 1943 में जो है उनका एक और फेमस वर्क आया था कम इन एंड अदर पोएम्स, 1947 में उनकी स्लीपलेस बुश आई थी, 1962 में इन द क्लियरिंग आई थी। तो अभी तो हमने किसकी बात की, पोएम्स की बात की, इसके अलावा उन्होंने कुछ प्लेज भी लिखे हैं, आइए हम उनको भी देख लेते हैं। 1929 में उनका एक प्ले आया था अ वे आउट, जो कि एक वन एक्ट प्ले है। उसी साल 1929 में उनका एक और प्ले आया था द काउ एंड द कॉर्न, द काउ एंड द कॉर्न, ये भी एक वन एक्ट प्ले है। उसके अलावा उन्होंने दो मास्क भी लिखे हैं। 1945 में उनका एक मास्क आया था द मास्क ऑफ रीजन, और 1947 में द मास्क ऑफ मर्सी। अब जो है इनके हम कुछ इम्पॉर्टेंट पोएम्स को डील करते हैं। पहला जो इनका इम्पॉर्टेंट पोएम है मूविंग, ये एक लिरिक है, और ये पब्लिश हुआ था इनका फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री अ बॉयज विल में, जो कि 1913 में क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। मूवर, एक्चुअली हम समझ लें कि मूवर होता क्या है। मूवर एक वैसा आदमी होता है जो कि हसिया लेकर के, आपने खेत में देखा होगा कि जो किसान होते हैं उनके हाथ में एक चाकू जैसा होता है, हसिया जैसा होता है, जिससे क्या करते हैं, वो फसलों को काटते हैं। तो मूविंग वैसे इंसान को कहते हैं जो कि हसिया लेकर के क्या करता है, फसल को काटता है। तो यहाँ पे पोएट जो है उसको पोर्ट्रे किया गया है एज अ मूवर के रूप में, और उसके हाथ में क्या है, एक साइदी है। साइदी क्या होता है, साइदी जो है एक हसिया को कहते हैं, और आपने देखा होगा कि जब हम फसल को काटते हैं तो एक विस्परिंग टाइप की जो है आवाज आती है, तो यहाँ पे है ही हैज अ साइदी एंड इट सीम्स टू बी विस्पर ऑन द ग्राउंड, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो साइदी क्या कर रही है, फुसफुसा रही है, तो एक विस्पर कर रही है। और पोएट को जो है ही इज वेरी मच पैशन, पोएट जो है वो बहुत ही ज्यादा पैशनेट है फॉर ट्रुथ रियलिटी एंड वर्क। ठीक उसी तरीके से जो है जो साइदी है ही ऑल साइदी ऑल्सो हैज अ पैशन फॉर ट्रुथ रियलिटी एंड वर्क। और ये पोयम क्या मैसेज देती है, ये पोयम एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज देती है कि बिना हार्ड वर्क के नो वन कैन अचीव एनीथिंग। अगर आप जिंदगी में कुछ कामयाबी पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये पोयम जो है हमें यही मैसेज देती है। इसकी बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज, द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज, याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है दैट इज अ मेंडिंग वॉल, ये इनके सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएट्री जो कि 1914 में आया था द नॉर्थ ऑफ बोस्टन,
उसमें पब्लिश हुई थी। और ये जो है एक मोनोलॉग है जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इसमें दो लोग हैं, जो स्पीकर है वो पोएट हिमसेल्फ है और जो लिसनर है वो उसका नेबर है। जो नेबर है ना उसको फेथ है, बिलीव है किसमें, वॉल्स में और फेंसेस में। बड़ी खूबसूरत सी और इम्पोर्टेंट लाइन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ, देखिएगा जितने भी रेड में लिखे हैं ना ये इम्पोर्टेंट लाइन है। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। अच्छी दीवारें जो होती हैं वो क्या बनाती हैं, अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। बट यहाँ पर जो पोएट है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। मतलब पोएट जो है उसकी बात से एग्री नहीं करता है और कहता है कि डू नॉट बिलीव इन फेंसेज एंड बाउंड्रीज। पोएट जो है वो फेंसेज में और बाउंड्रीज में जो है वो बिलीव नहीं करता है। कहता है कि ये जो फेंसेज हैं, ये जो बाउंड्रीज हैं, वो ह्यूमन रिलेशन को क्या करते हैं, हिंडर करते हैं। किस तरह के फेंसेज, जो हमारे क्लास क्लास के बाउंड्रीज होते हैं, जो जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को अलग करते हैं, जो कास्ट के बाउंड्रीज होते हैं, ये तीन चीज़ों में जो है पोएट क्या करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। और उनका मानना है कि ये क्या करते हैं, ह्यूमन रिलेशंस को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। पोएट बिलीव्स जो है क्या करते हैं, द पोएट बिलीव्स दैट समथिंग इज दैट डजंट लव अ वॉल। जो ह्यूमन रिलेशन है ना वो वॉल्स में और जो है फेंसेस में क्या करते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बार्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वॉल्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दूसरी जो इनकी पोयम है, द रूट नॉट टेकन। एक्चुअली ये जो पोयम है इसको लिखा गया था 1915 में, ठीक है। और ये पोयम जो है उन्होंने किसके लिए लिखा था, उनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम एडवर्ड थॉमस था, उसके लिए इन्होंने लिखा था। और ये पोयम जो है वो पब्लिश हुई थी कब, 1916 में पब्लिश हुई थी, किसके साथ, उनका जो पोएटिक कलेक्शन था माउंटेन इंटरवल के साथ जो है ये पब्लिश हुई। अब इस पोयम का हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1912 में जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे, और 1912 से लेकर के 1915 तक जो है वो वहीं थे। वहाँ पे बहुत सारे लोगों से उनकी जान पहचान होती है, दोस्ती भी होती है। उसमें से जो है उनके एक दोस्त बनते हैं जिनका नाम होता है एडवर्ड थॉमस। वो दोनों साथ में बातें करते हैं, टहलने जाते हैं। एक ऐसा पल आता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लाइफ में कि उनके पास दो चॉइसेस होते हैं, दो रोड्स होते हैं, और उन दो चॉइसेस में से जो है उन्हें किसी एक रोड को क्या करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। किसी वो क्या करते हैं कि दूसरे रोड को, दूसरे चॉइस को चुनते हैं और पहले चॉइस को नहीं चुनते हैं, जिसके लिए बाद में उनको जब जब वो दूसरे चॉइस को चुन लेते हैं, दूसरे रोड को चुन लेते हैं, दूसरे डिसीजन को चुन लेते हैं, जब वो बहुत दूर तक उस दूसरे रास्ते के साथ चले जाते हैं, तो फिर उन्हें ये रियलाइज होता है कि उन्होंने दूसरा रास्ता क्यों चुना, उन्हें पहला रास्ता चुनना चाहिए था। उसके बाद जब वो दोबारा से अमेरिका आ जाते हैं तो जो ये जो फीलिंग जो है उनके पास रहती है, ये याद उनके पास रहती है, और उसी याद में जो है वो क्या करते हैं, एक पोयम लिखते हैं, द रोड नॉट टेकन। जब ये पोयम लिखते हैं तो इसकी एक कॉपी वो अपने दोस्त को भी भेजते हैं, एडवर्ड थॉमस को भेजते हैं, और वो इस पोयम को बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं और पर्सनल ले लेते हैं। और पर्सनल लेने के बाद जो है वो क्या करते हैं कि वो अपना नाम जो है वो क्या कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पर्सनल ले लेते हैं, और उसके बाद जो है वो अपना नाम इनरोल करा लेते हैं किसमें, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो है इनरोल करा लेते हैं। और बाद में जो है वो जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनलिस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ जो है कैसे होती है, मतलब एक बैटल ऑफ एराज में जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो ये इस पोएम का बैकग्राउंड है। अब इस पोयम को हम थोड़ा सा समझें कि इसमें जो पोएट है वो एक जगह पे खड़ा हुआ है, और उस जगह से जो क्या होते हैं, दो रास्ते चलते हैं। मतलब एक रास्ता सपोज करो कि लेफ्ट में जा रहा है और एक रास्ता जो है क्या करता है, राइट में जा रहा है। पोएट वहाँ पे खड़ा है, दोनों रास्ते को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है, और जो है उसके बाद वो क्या करता है, जो दूसरा रास्ता है उसको चुन लेता है।
और फिर बहुत टाइम के बाद जब वो उस रास्ते पे चल जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसने कहीं ना कहीं कुछ गलत कर दिया, उसे पहला रास्ता चुनना चाहिए था। हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि एक्चुअली ये जो है बताना चाहते हैं कि हमारे डिसीजन मेकिंग हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक डिसीजन जो है हमारे लाइफ का वो क्या करता है, हमारी पूरी जिंदगी को क्या कर देता है, बदल करके रख देता है। ये पोयम जो है जानी जाती है अपनी क्लैरिटी के लिए, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए और अपनी एपिग्रामेटिकली फोर्स के लिए जो है ये पोयम जानी जाती है। इसकी बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, टू रोड डाइवर्जन इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट ही मेड ऑल द डिफरेंस। मतलब जो दो रोड जो है वो क्या होते हैं, एक रोड पर वो खड़ा है और दो रास्ते क्या करते हैं वहां से जाते हैं, और पोएट क्या करता है उस रास्ते को चुनता है जहां पर कम लोगों ने क्या किया है, सफर किया है, बहुत कम लोगों ने क्या किया है, ट्रैवल किया है, और यही डिसीजन जो है क्या करता है उनके लाइफ का जो है पूरे लाइफ को क्या कर देता है, बदल के रख देता है। उसके बाद जो है इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है बर्चेस। आइए हम बर्चेस को देखते हैं। बर्चेस जो है बहुत ही फेमस पोयम है उनकी। एक्चुअली इसको लिखा गया था 1913 से लेके 1914 के आसपास लिखा गया था। अगर हम इसकी पब्लिकेशन की बात करें तो इसको सबसे पहले 1915 में जो है एक मैगजीन जिनका जिसका नाम जो है एटलांटिक मंथली था, उसमें इनको जो है दो और पोएम द रोड नॉट टेकन और जो है द साउंड ऑफ ट्री, इन दोनों के साथ जो है एज अ ग्रुप पोएम के रूप में जो है इसको पब्लिश किया गया था। और बाद में 1916 में जो है उनका पोएटिक कलेक्शन माउंटेन इंटरवल में जो है इसको इंक्लूड कर दिया गया। अगर हम इसकी टाइटल की बात करें तो पोएट का जो पोएम का जो टाइटल है ये पोएट ने जो है अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से लिया है, ठीक है। और यहाँ ये जो टाइटल है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, एप्ट है और सजेस्टिव है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस पोएम का जो ओरिजिनल टाइटल है दैट इज अ स्विंगिंग बर्चेस। इस पोएम का ओरिजिनल टाइटल क्या है, स्विंगिंग बर्चेस है। और ये जो पोएट ने क्या किया है, अपना जो चाइल्डहुड था उस चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में जब वो जो है पेड़ की टहनियों से क्या करते थे, स्विंग किया करते थे, वहां से जो है इंस्पायर होकर के लिया। जनरली जो है वो यहाँ पे न्यू इंग्लैंड जहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे वो बचपन में जिनके पास खेलने के लिए और कुछ नहीं होता था तो वो बच्चे क्या करते थे पेड़ की टहनियों पर स्विंग कर किया करते थे, और वहां से इंस्पायर होकर के जो है उन्होंने क्या किया है इस टाइटल को लिया है। अगर हम पोएम की थीम की बात करें तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टू थीम्स हमें देखने को मिलता है, द जॉय ऑफ चाइल्डहुड एंड द प्रॉब्लम ऑफ एडल्टहुड। ये दो थीम जो है हमें देखने को मिलता है। द पोएट ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ स्विंगर ऑफ द बर्चेस। पोएट जो है वो क्या करना चाहते हैं, वो ड्रीम करते हैं किस चीज का, बर्चेस जो ट्री है उसका क्या करना चाहते हैं, स्विंगर बनना चाहते हैं। और वो क्या करना चाहते हैं कि जो उनका जो अपने लाइफ में पीछे जाना चाहते हैं, चाइल्डहुड के लाइफ में जाना चाहते हैं और उस लाइफ को क्या करना चाहते हैं, वंस अगेन जो है वो इंजॉय करते हैं। ही इमेजेस अ केयर फ्री, मतलब जो चाइल्डहुड का जो टाइम है जो बिल्कुल ही बेबाक होता है जिसमें किसी चीज की फिक्र नहीं होती है, उस टाइम में क्या करना, उस टाइम को इमेजिन करते हैं और थोड़ा सा जो है उस टाइम में जो है नॉस्टैल्जिक होना चाहते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं और थोड़ा सा जो करेंट लाइफ है, जो यूथ की जो सीरियसनेस है, यूथ की जो ट्रबल्स हैं, उसको भी क्या करते हैं वो कंप्लेन करते हैं। पोएम जो है वो लिखी गई है ब्लैंक वर्स में और इसमें कोई भी स्टैंजा में जो है ब्रेक नहीं है। ये पूरी पोएम जो है एक स्टैंजा में लिखी गई है और इसमें टोटल जो है वो 59 लाइन्स है। ये पोयम जो है दिखाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एज अ नेचर पोएट के रूप में दिखाया जाता है। इस पोयम में जो है पोएट ने क्या किया है, फ्यूजन किया है किसके बीच, फैक्ट एंड फैंसी के बीच, ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन के बीच। अगर आप पोएम को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पोएम जो है पोएट जो है वो क्या करता है, बर्चेस को देखता है। बर्चेस क्या है, एक ट्री का नाम है जो कि बहुत पतली होती है और उसकी जो झाड़ियाँ होती है या फिर उसके जो बोझ होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल जमीन में जो है क्या होते हैं,
नदी मतलब जमीन जमीन तक जो है वो छूते रहते हैं, वो बिल्कुल ही नीचे तक रहते हैं। तो पोएट कहता है कि ये जो बर्चेज है, ऐसा लगता है, इमेजिन करता है कि शायद ऐसा लगता है कि ये जो बर्चेज के जो ब्रांचेज हैं उस पे जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया है, स्विंग करके जो है इसको नीचे की तरफ जो है क्या कर दिया है, ला दिया है। लेकिन फिर पोएट जो है उस फैक्ट को याद करते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो सके, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो फैक्ट की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि जब बर्फीली बारिशें होती हैं, जब बर्फीली तूफान आती है, तो क्या होते हैं कि बर्चेस जो है उसकी ब्रांचेस के ऊपर आइस जो है वो आ करके रहते हैं और कई महीनों तक जो है वो कई महीने तक जो है वो आइस जो है वहां पर लदे रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो क्या करते हैं, उसके ब्रांचेस जो है वो नीचे की तरफ झुक गए हैं। द पोएट हैज ऑब्जर्व द हैबिट ऑफ बर्चेस माइन्यूट, पोएट जो है वो बर्चेस के जो ट्री है उसको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है और उसके जो ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल ही बेंड कर रहे हैं किसकी तरफ, राइट और लेफ्ट की तरफ, और वो ढके हुए हैं किससे, स्नो से ढके हुए हैं। पोएट जो है विश करता है, क्या करता है, विश करता है टू क्लाइम टू हेवन एंड वांट टू रिटर्न बैक टू द अर्थ। पोएट जो है वो हेवन तक जाना चाहता है और फिर वहां से अर्थ पर क्या करना चाहता है, रिटर्न करना चाहता है। क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है, बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है, सॉरी देखिए, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो वेयर इट इज लाइकली टू गो बेटर। पोएट यहाँ कहते हैं कि मैं, ये जो दुनिया है ना, ये सबसे बेहतर जगह है, सबसे खूबसूरत जगह है, क्या करने के लिए, प्यार करने के लिए, इससे खूबसूरत जगह और कोई भी नहीं। एज द ब्रीजेस राइजेस एंड टर्न इन मेनी कलर्स, पोएट कहता है कि जब ये जो ब्रांचेज हैं इस पे जब महीनों तक जो है क्या करती है, बर्फ जो है वो लदी रहती है, तो इसका जो कलर होता है ना वो चेंज हो जाता है, और जब हवाएं चलती है, जो ठंडी हवाएं चलती है, तो वो डिफरेंट कलर्स जो है वो क्या कर देती है, बिखेर देती है जाए, तो बहुत ही खूबसूरत सा नेचर का जो एक पिक्चर होता है यहाँ पे पोएट ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग, पोएट कहता है कि जाना और लौट के वापस आना अच्छा है। वन कुड डू वर्स देन बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेस, बर्चेस का जो स्विंगर है उससे मतलब ये कोई बुरा काम नहीं है, दुनिया में और भी बहुत सारे काम है जो बुरे हैं, तो उस बर्चेस की जो ट्री है उस पे स्विंगिंग करना जो है कोई बुरा काम नहीं है। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या होती है कि कभी हम अपने लाइफ से बहुत बोर हो जाते हैं और हमारी जिंदगी जो है बहुत उदास होती है, तो इसमें रंगीनियां लाने के लिए हमें चेंज की जरूरत होती है, ठीक है, थोड़ा चेंज चाहिए, लेकिन फिर हमें क्या करना, जो हमारा काम है, जो हमारी जिंदगी है, जो रियलिटी है, वहां पे लौट करके आना बहुत जरूरी। यहाँ पर एक ये जो लाइंस मैंने आपको बताई है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इस लाइन में देखिए, स्विंगर ऑफ बर्चेस अ पोर्ट्रेट ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये एक वर्क है जो कि लिखा गया है सिडनी कॉक्स के द्वारा, और ये वर्क कब आया था, 1957 में आया था। कभी कभी हम कंफ्यूज कर जाते हैं स्विंगर ऑफ बर्चेस की वजह से, क्योंकि इसमें एक लाइन भी है यहाँ पे देखिए, स्विंगर ऑफ बर्चेस, तो हमें कंफ्यूज नहीं करना है, ये पूरा टाइटल आप देखिएगा, द स्विंगर ऑफ बर्चेस जो है वो क्या है, एक वर्क है किसका, सिडनी कॉक्स का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फायर एंड आइस, ये भी जो है बहुत ही खूबसूरत छोटी सी पोयम है और ये पब्लिश हुई थी न्यू हैम्पशायर, उनका जो एक वर्क है, पोएटिक वॉल्यूम है ना, जो कि 1923 में आया था, उसके साथ जो है इसको पब्लिश किया गया था। पोएट कहते हैं कि जो फायर है और आइस है ये दोनों क्या है, सिंबॉलिक है। किस चीज का सिंबल देती है, ये दोनों ही क्या करती है, डिस्ट्रक्शन का सिंबल देती है। पोएट कहता है कि फायर जो है वो शो करता है, बताता है किसको, इंटेंसिटी ऑफ पैशन एंड डिजायर, कोई भी चीज अब जरूरत से ज्यादा हम पैशनेट हो जाते हैं किसी चीज के लिए, जब हम बहुत ज्यादा डिजायरस हो जाते हैं तो हम उस चीज को पाने के लिए रॉन्ग मीन्स का यूज करने लगते हैं, तो पोएट कहता है दैट इज डिस्ट्रक्टिव।
और आइस जो है यहाँ पर सिंबलाइज करता है किसको, कोल्ड ऑफ हेट्रेड को, जो घृणा है, जो हेट्रेड है उसमें जो ठंडक पाई जाती है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किस में पाया जाता है, आइस में पाया। तो ये बोथ जो है दोनों ही क्या है, सिंबल है किसका, डिस्ट्रक्शन है। ये पोएम जो है बहुत रिच है किस में, इमेजरी में, और इसमें पोएट ने जो है बहुत ज्यादा पैराडॉक्स का यूज किया है, कंट्रास्ट का यूज किया है। पैराडॉक्स जैसा कि हम जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हमें कंट्रास्ट देखने मिलता है, और इस पोयम की जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मीनिंग है उसको बढ़ा दिया है किसने, यूज ऑफ पैराडॉक्स ने। अब बहुत ही फेमस पोयम जो कि मेरी भी बहुत ही पसंदीदा पोयम है, हम उसको देखते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये एक मूविंग लिरिक है, इसको कंपोज किया गया था, लिखा गया था 1923 में, और ये पब्लिश हुई थी उनकी पोएटिक कलेक्शन न्यू हैम्पशायर में 1923 में। याद रखिएगा ये पोयम जो है लिखा गया है आयम्बिक टेट्रामीटर में, इसको लिखा गया है जिसे रुबियात स्टैंजा भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पोयम जो है वो किस में लिखा गया है, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है जिसको हम क्या करते हैं, रुबियात स्टैंजा भी हम कहते हैं। नेक्स्ट, ये पोयम जो है बहुत ही रिच है किसमें, म्यूजिक में और मेलेडी में। पोएम जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है बट इट गिव्स अ वेरी डीप मीनिंग, और इसमें जो है डेथ, स्लीप, डार्कनेस, स्नो और वुड, ये जो चार वर्ड आए हैं ये सिंबलाइज करता है किसको, डेथ को सिंबलाइज करता है। पोएम ने जो है, इस पोएट ने जो है इसमें सिंबोलिस्ट टेक्निक का यूज किया है। अगर हम इसके राइमिंग स्कीम की बात करें तो इसमें हमें राइमिंग स्कीम जो है ए ए, बी ए, बी बी, सी बी, सी सी, डी सी, डी डी, ई डी, ये हमें राइमिंग स्कीम देखने को मिलता है। ये पोयम की एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये लाइन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को इतनी ज्यादा पसंद थी कि वो उसे अपने पिल्लों के नीचे रख करके सोया करते थे, और यही नहीं कि उनके टेबल पर हमेशा ये लाइन लिखी हुई होती थी। पोएट जो है इसमें बहुत ही सिंपल में जो है बहुत ही डीप मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पोएट कहते हैं द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये जो मौसम है, ये जो जंगल है ये बहुत ही खूबसूरत है, ये जो जंगल है बहुत ही ज्यादा डीप है, घना है, डार्क है, इतना खूबसूरत है कि मेरा जी चाहता है कि मैं इस वक्त में ठहर जाऊं, ये पल ठहर जाए और मैं इस खूबसूरती को जो हूं देखता ही रहूं। फिर पोएट दूसरे ही पल में याद करता है, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, बट मैंने क्या किया है, प्रॉमिस किया है जो मुझे निभाना है, द माइल्स टू गो, बहुत दूर तक जाना है, बिफोर आई स्लीप, बहुत दूर तक जाना है मुझे सोने से पहले। और उसके बाद जो इसकी लास्ट लाइन है वो थोड़ा सा और डीपर मीनिंग देती है, द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बहुत कुछ करना है मरने से पहले। जब मैंने आपको पैराडाइज लॉस्ट पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया होगा कि हम इस दुनिया में आए हैं, हमारी दुनिया में आने का एक मकसद है, कुछ काम है जिसे हमें करना है, जिसको करने के लिए गॉड ने हमें यहाँ भेजा है, कुछ टास्क है जिसको हमें करना है, जो गॉड ने हमें असाइन किया है। तो पोएट यही कहता है कि भले ही ये दुनिया जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, दिल चाहता है कि इस दुनिया की रंगीनियों में मैं खो जाऊं, इसकी खूबसूरती में मैं खो जाऊं, पर दूसरे ही पल जो है मुझे कॉल आता है, वो याद आता है, वो प्रॉमिस याद आता है जो मैंने गॉड से किया है, कि मुझे मरने से पहले, उनके पास लौट के आने से पहले, वो सारे काम जो उन्होंने मुझे असाइन किए हैं वो मुझे करना है, मरने से पहले वो सारी चीजें, मुझे बहुत लंबा चलना है और जो चीजें गॉड ने कही हैं उसे मुझे करना है, कंप्लीट करना है। आई होप ये पोयम आपको समझ में आ गई होगी, ये चार लाइन जो है बहुत ही फेमस लाइन है। दूसरी जो उनकी बहुत ही फेमस पोयम है, टू ट्रम्प्स इन अ मड सीजन। टू ट्रम्प्स जो है, ट्रम्प्स किसको कहते हैं,
ट्रम्प उसको कहते हैं जो क्या करते हैं कि बेगिंग करते हैं, घूमते हैं यहाँ से वहां, घूमते हैं और बेगिंग करके क्या करते हैं, अपना गुजारा करते हैं। मड टाइम का मतलब होता है रेनी सीजन। ये पोयम जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल है और फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। पोयम जो है वो क्या करती है, रिवील करती है किसके, दो लोगों के एटीट्यूड को। एक पोएट के एटीट्यूड को रिवील करती है, दूसरा ट्रम्प के एटीट्यूड को। ये जो लोग हैं, जो घुमक्कड़ लोग हैं, जो कि क्या करते हैं भीख मांग करके अपना गुजारा करते हैं, उन दोनों को क्या करती है एटीट्यूड को रिवील करती है। पोयम में जो है हम फ्यूजन पाते हैं किसका, प्लेजर का और नीड का। जैसे अगर कुछ लोग, जैसे आप समझे कि जैसे अगर आपने देखा होगा कि कॉमेडी नाइट्स, अगर आपने देखा होगा कपिल शर्मा का, तो वो क्या करता है, वो हंसाता है। तो वो क्या है, उसका नीड है, उसकी रोजी रोटी है। अगर हम भी उस काम, हम उसमें टैलेंटेड नहीं है, हमें हमें पता नहीं है कि कैसे करते हैं, अब हम भी अगर उस काम में करने लगे तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा क्योंकि हम उसके पेट पे लात मार रहे हैं। तो इसी बात को पोएट ने क्या किया, एक फ्यूजन बताने की कोशिश की है प्लेजर और नीड के बीच में। अप्रैल का मंथ है और जो पोएट है वो क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है। किसको स्प्लिट कर रहा है, वुड्स को जो है वो स्प्लिट कर रहा है। और अचानक से जो वो क्या करता है, किसको देखता है, ट्रम्प्स को देखता है। और जब ट्रम्प्स उसको देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि मतलब ये पोएट क्या कर रहा है, ये पोएट जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। पोएट ने जो है अपने आप को एक फार्मर के रूप में दिखाया है जो कि लकड़ियों को तोड़ता है, और जैसे ही वो लकड़ियों को तोड़ता है उसी वक्त जो है वो ट्रम्प आ जाते हैं। और ट्रम्प जो है उसको देख करके कुछ बोलते नहीं है, बट वो कहना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं अपने दिल में कि जो पोएट ये कर रहा है वो गलत कर रहा है, क्योंकि ये पोएट का काम नहीं है, ये ट्रम्प का काम है। और पोएट को तो पता भी नहीं है कि कुल्हाड़ी को कैसे पकड़ते हैं, फिर भी वो ये काम कर रहा है, वो इस काम को उसको नहीं करना चाहिए। भले ही ये ट्रम्प कुछ भी नहीं कहते, बट पोएट जो है उनकी बात को समझ जाते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पोएट जो ट्रम्प है उनसे क्या कहना चाहते हैं इस बात को वो समझ जाते हैं। एक्चुअली जो ट्रम्प है उनसे काम चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि जो जिसका काम है उसको वही करना चाहिए। आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। उसके बाद उनकी एक और पोयम है द गिफ्ट आउटराइट। ये 16 लाइन्स की पोयम है जिस, और ये जो है पब्लिश हुई थी किसमें, अ विटनेस ट्री में, 1942 में पब्लिश हुई थी, जिसके लिए उनको पुलित्जर प्राइज मिला था। ये पोयम जो है एक पैट्रियोटिक इन नेचर है और जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है किसके लिए, पूरे अमेरिकन के लिए। ये पोयम जो है बिगिंस होती है ब्रिटिश कॉलोनियल से। आप जैसा कि आप जानते हैं कि एक वक्त था कि जब इंग्लैंड ने क्या किया था कि पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था, हमारे इंडिया भी जो है उसका कॉलोनियल कंट्री था, ठीक उसी तरीके से अमेरिका भी जो है वो उनका कॉलोनियल कंट्री था। इसकी बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है, ध्यान दीजिएगा, पजेसिंग व्हाट वी स्टिल पजेस्ड बाय, जो उनका है, जो उन्होंने पजेस्ट करके रखा है वो आज भी हमारा नहीं है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, पजेसिंग व्हाट वी स्टिल पजेस्ड बाय, याद रखिएगा। अब हम कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट्स की बात करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट जो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एसोसिएटेड विथ न्यू इंग्लैंड पोएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 11 साल की उम्र में ही जो है उनकी माँ उनको न्यू इंग्लैंड लेकर के चली जाती है, और न्यू इंग्लैंड जो है उनके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, क्योंकि उनकी पोएट्री जो है वो न्यू इंग्लैंड से एसोसिएटेड है। हमें उनकी पोएट्री में जो रूरल लाइफ है उसका ट्रू ब्यूटिफुल और रियलिस्टिक पिक्चर हमें देखने को मिलता है। इजरा पाउंड जो है वो पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने उनके बारे में फेवरेबल रिव्यू लिखा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई माइट बी कॉल सेनिक डॉटीज। सिनिक डॉटी आप जानते हैं कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। फॉर आई प्रीफर सिनिक डॉटी इन पोएट्री, पीजीटी में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, आई माइट बी कॉल द सिनिक डॉटी फॉर आई प्रीफर सिनिक डॉट इन पोएट्री। वो अपने बारे में कहते हैं कि मुझे जो है सिनिक डॉटी कहा जाता है क्योंकि मुझे अपने पोएट्री में जो है सिनिक डॉट्स को क्या करना, यूज करना पसंद है।
पोएट कहते हैं अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। पोएट जो क्या होती है, पोएम क्या होती है कि वो डिलाइट से शुरू होती है और विजडम पे आकर के क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और इस बात को जो है उन्होंने किस में बयान करने की कोशिश की है, स्टॉपिंग बाय वुड्स इन ए स्नोई इवनिंग में बयान करने की कोशिश की है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टू बी अ पोएट इज अ कंडीशन नॉट अ प्रोफेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी जो पोएट होता है वो हमेशा अपने एज को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक पोएट है उसके अंदर पोएटिक क्वालिटीज नहीं हो, पोएटिक पैशन नहीं हो, तब तक वो कभी भी एक पोएट नहीं बन सकता। पोएट जो है कोई प्रोफेशन नहीं है कि हाँ हमने एक डिग्री ले ली और वहाँ से हम पोएट बन गए, नहीं। पोएट क्या है, एक कंडीशन है, एक चाहत है। अगर आपके अंदर वो पोएटिक ट्रुथ ना हो, पोएटिक ब्यूटी ना हो, अगर वो आपके अंदर डिज़ायर ना हो, आपके अंदर वो क्षमता ना हो, वो चीज़ें ना हो जो कि एक आदमी को पोएट बनाती हैं, तो कभी भी आप क्या कर सकते हैं, पोएट नहीं बन सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि नॉर्थ ऑफ बोस्टन, जो कि सेकेंड एडिशन ऑफ पोएम था, सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएम था जो कि 1914 में आया था, उसे एक और नाम से भी जाना जाता है, बुक ऑफ पीपल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो कि 1914 में आया था, जो कि उनका सेकेंड पोएटिक कलेक्शन है, उसको बुक ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, पोएट्री इज व्हेन एन इमोशन हैज फाउंडेड इट्स थॉट एंड थॉट हैज फाउंडेड इट्स वर्ड्स। पोएट्री क्या है, जब एक इमोशंस जो है वो क्या होते हैं, थॉट्स में बदल जाते हैं, और जब एक थॉट्स जो हैं वो क्या कर जाते हैं, वर्ड्स को पा जाते हैं। जब एक इमोशंस क्या होते हैं के अंदर एक थॉट आ जाता है, और जो थॉट्स को जो है, उन थॉट्स को जब एक लफ्ज मिल जाता है, वर्ड्स मिल जाता है, शब्द मिल जाता है, तो एक पोएट्री का निर्माण होता है। बहुत ही खूबसूरत और कॉन्ट्रोवर्सियल लाइन है, देखिए, अ मदर टेक्स 20 ईयर्स टू मेक अ मैन ऑफ अ बॉय। एक लड़के को इंसान बनाने में एक माँ को 20 साल लग जाते हैं, और उसी लड़के को जब एक दूसरी औरत, इट माइट बी हिज वाइफ, हिज लवर, कुछ भी हो सकती है, जब वो एक दूसरी औरत जो है उसकी ज़िंदगी में आती है, तो उसको उस आदमी को फूल बनाने में, पागल बनाने में 20 मिनट भी नहीं लगते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो अपने बारे में कहते हैं, आई गेस आई एम नॉट अ नेचर पोएट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेचर पोएट नहीं हूँ। Why? I have written only 2 poems without a human being in them. मैंने सिर्फ ऐसी 2 ही poems लिखी है जिसमें human being नहीं है। तो वो अपने आप को एक nature poet नहीं मानते थे, जबकि उनकी पोएम अगर आप बर्चेस को देखें तो बिल्कुल ही बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है नेचर पोएम का। फ्रॉस्ट जो है वो जाने जाते हैं इज नोन एज अ सीरियस नॉन सीरियस पोएट। फ्रॉस्ट को जो है वो नॉन सीरियस पोएट के रूप में जाना जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है कि उनकी एक पोएम है जिनका नाम डिपार्टमेंटल है, ठीक है, जिसकी बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है, एंट्स इज अ क्यूरियस रेस। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने अपनी तरफ से इस पूरी बायोग्राफी को जो है बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।